आर्मी कुछ समय से BTS के ऊपर 2025 के कमबैक और रिव्यूनियन की कई सारी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन रिसेंटली BTS के मेंबर जिमी ने इन सवालों को थोड़ा शांत किया है, क्योंकि जिमी ने आर्मीज को कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिससे आर्मीज बहुत ही ज्यादा खुश हैं और प्राउड फील कर रही हैं। ऐसा जिमी ने आर्मी से क्या कहा, यह जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। आर्मी, आपको पता तो होगा कि जिमी का न्यू एल्बम अभी अभी रिलीज हुआ है। अगर आर्मी आपको अभी तक नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जिमिन का न्यू सॉन्ग लाइक क्रेजी अभी अभी रिलीज हुआ है और जिसके प्रमोशन के लिए वह काफ़ी सारे शोज में जा रहे हैं, और इसी बीच उन्होंने डिसाइड किया है कि वह सुगा के शो स्वीटस्टा में जाएंगे और जहां पर आकर वह सुगा के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकेंगे। तो दोस्तों, जब ये बात रिवील की गई है कि जिमिन सुगा के शो में आने वाले हैं तो आर्मी ऑलरेडी एक्साइटेड थी, क्योंकि उनको पता तो था ही है शो बहुत ही एपिक होने वाला है क्योंकि यूनमिन की जोड़ी वापस आने वाली। तो दोस्तों, जब जिमिन इस शो पर आए तो काफी सारे फनी मोमेंट हुए जिन्हें देखकर आर्मी बहुत ज्यादा खुश हुई। जिमिन और सुगा साथ में बैठकर काफी सारी पुरानी यादों और बातों के बारे में डिस्कस कर रहे, और यही नहीं, दोनों ने साथ में बैठकर ड्रिंकिंग भी की। यह देखकर आर्मीज को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और इसी बीच जिमिन और BTS के मेंबर सुगा अपने रीयूनियन की बातें भी करने लग गए थे, और वह याद कर रहे थे कि BTS के सभी मेंबर्स ने अपने करियर की शुरुआत कैसे की थी और अब वह कितने आगे आ चुके हैं, बल्कि सभी BTS मेंबर अपने सोलो कॉन्सर्ट और सोलो एल्बम पर काम कर रहे हैं। और इसी बीच जिमिन ने यह रिवील किया कि वह आर्मी के साथ कोरेबल रहना चाहते हैं और वह आर्मी के साथ तब तक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जब तक वह हिलने लायक तक ना रहे। यानी दोस्तों, जिमिन का कहने का मतलब यह था कि वह काफी लंबे टाइम तक आर्मी के लिए परफॉर्म करना चाहते हैं, इतना लंबा समय कि वह खुद ही अनेबल ना हो जाएं यह सब करने के लिए। और दोस्तों, यही नहीं, जिमिन ने सुगा के शो पर आके यह भी रिवील किया कि आगे के रियूनियन के बारे में उन्होंने काफी सारे प्लान कर रखे हैं। और दोस्तों, वह दोनों डिस्कस कर रहे थे कि 2025 में उनका रियूनियन कैसा होगा, और उन्हें एक्साइटेडमेंट है इस बात को लेकर कि वह उस टाइम आर्मीज के लिए एक न्यू एल्बम लाकर उनको किस प्रकार अपनी लाइफ से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और जिमी ने यह भी बताया कि BTS के मेंबर जिन जो कि मिलिट्री में है वो अभी काफी हेल्दी है और उनका 3 किलो वेट अभी और बढ़ गया। तो आर्मी, यह सब बातें हुई थी सुगा के शो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।